हाय हेलो दोस्तों, मैं आपको प्रणय मेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ सब्जेक्ट बाय परमार। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला है, एक सेकेंड में कैसे आंसर निकालें। देखो, कहता है कि दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अंतर 40 है। अब आपको यहाँ से पूछे कि योग, योग मतलब क्या होगा, जोड़ है ना, और अंतर मतलब दोनों को घटाना है। देखो सोल्व करते हैं तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह लगाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और एक ए और एक कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 40 में से 50, 90 में से 40 गया कितना बचा, 50। दो से कट गए तो a बराबर कितना आ गया, 25। जब a का मान 25 आ गया तो b का मान कितना आ जाएगा, ये 25 इधर माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 25। तो बी का मान 90 माइनस, और 90 में 10 में 5 गए तो 5, और 8 में 2 गए तो 6, यानी कि संख्या हो जाएगी अपनी पास 25 और 65। ये दो संख्या हो जाएगी 25 और 65। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जो आपको मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ और आज के वीडियो में अपन देखने जाएंगे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और इतने आसानी से कोई इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। देखो, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/n। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर लेंगे। देखो, 2 का गुणा यह होगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 1/2। इसी तरह 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3। इसी तरह 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो 3/4। n एकम n n-1/n, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 1/4 बचेगा। 1/4 कितना बचेगा, 4। इसी तरह लास्ट में क्या बचेगा, n-1/n बचेगा। तो इसका फार्मूला, ये फार्मूला बता रहा, तो n-1/n इसका राइट आंसर आ जाएगा, n-1/n। लेकिन यहाँ से कोई संख्या कटेगी तो ये भी संख्या यहाँ से कट जाएगी, तो 1/n क्या बचेगा, सॉरी 1/n, क्योंकि ये संख्या 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4 कटेगा, यहाँ से कटेगा, तो ये संख्या से संख्या कट जाएगी, तो 1/n बराबर क्या बचेगा, 1/n बचेगा, 1/n ही बचेगा, 1/n बचेगा, ठीक है। अयोग समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 68 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 68 संख्या है सम, तो इनका योग निकालना है। देखिए, जैसे कि अपन देखते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8, अगर यहाँ 8 तक जाते हैं तो अपने को 4 संख्या मिलती है, 1 2 3 4, कितनी संख्या मिलती, 4 संख्या मिलती है, 4 ही मिलती है। लेकिन ये संख्या है, वो जाते कहाँ अपन, 8 तक जाते, दुगना यानी 4 × 2 = 8 तक जाते हैं तो अपने को 4 संख्या मिलती है। कह रहा 68 सम संख्या है, संख्या इसके पास कितनी है, 68 है,
तो 68 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 का लास्ट वाली संख्या होगी वो, 2 8 16 का 6 हंसना 1, 2 चंग 12 ने 13, 136 तक जाएंगे तो अपनों को यहाँ पे अपनों को 68 सम मिलेगी और 68 विषम मिलेगी 136 तक में। अपनों को चाहिए सम, सम का योग चाहिए अपनों को, सम का क्या चाहिए, योग चाहिए। कह रहा 68 का योग कितना होगा। अब सम का योग यहाँ तक का योग करने के लिए क्या करेंगे अपन दोस्तों, एन एन प्लस वन वन, ये एक फार्मूला होता है, एन कुल संख्या होती है, एन का मतलब क्या हो, कुल संख्या। तो 68 × 68 और एक 69, 3 संख्याओं का योग पूछा है इसने, तो इनका योग कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे। देखो तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 68 में 69 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 का 2 7, 9 6 54 54 और 4 60 और 3 63, फिर 6 8 48 का 8 हंसला 4 6 6 36 और 4 40 और जो अपना आंसर आएगा, 2 के 2 बचे 8 3 11 का 1 हंसला 1 6 7 और 4, 4712 इस तरह से 68 तक, 68 संख्याएं की बात करी हमने, 68 तक नहीं गए, 68 संख्याओं की बात करी, ठीक है। तो 4712 अब क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम 100 तक सम संख्याओं का योग, 100 तक की बात करी इसने, 100 तक कहा है, तक कहा, बहुत डिफरेंस होता है 100 संख्याएं और 100 तक में, बहुत डिफरेंस होता है। 100 तक, तक मतलब उससे आगे नहीं जाना, ये कहने का मतलब है, उससे आगे नहीं जाना है। 100 तक की पहुंचेंगे अपन, तो पहली संख्या क्या होगी, 2 होगी, दूसरी 4 होगी, 6 होगी और लास्ट तक जाएंगे तो 100 हो जाएगी। 100 तक की कहा, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब 100 तक में कह रहा है कि सम संख्याओं का योग करना है, तो सम संख्या का योग करेंगे तो क्या होगा, इसमें 50 सम होगी, आधी सम होगी और 50 विषम होगी। अब सम संख्या की बात करते हैं, तो सम का फार्मूला होगा एन एन प्लस वन, है ना, तो 50 × 50 और 1 51 होगा और 0 का तो 0 आ जाएगा, 5 × 5 5 5 25 25, ये इसका आंसर आएगा। अगर ये कह दे कि विषम का योग करिए, विषम का योग करिए, तो इसका फार्मूला होगा अपने पास एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 50, 50 का स्क्वायर, 50 का 5 5 कितना होगा, 25, 2 सिफर 2500 और 2550। सम और विषम थोड़ा डिफरेंस है, सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, कोई अगर ये पूछ ले आपसे कि 1 से 100 तक की सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो वो अंतर आपके सामने आएगा 50। पहले आप उनका योग निकालोगे, फिर आप उनका हल करोगे, तब आएगा 50। 1 से 100 तक की संख्याओं में सम और विषम का अंतर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो पहले सम को अलग जोड़ोगे, विषम को अलग जोड़ोगे और फिर उसका डिफरेंस निकालोगे, तो वो कितना आएगा, 50। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।